ऐड कर दूंगी। सूजी को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक लबन, 200 ml ऑफ का लबन लिया है मैंने। उस लबन को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी पीनट्स ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसका स्किन को पिल कर लूँगी। पिल करके स्किन को रिमूव कर दूँगी। पीनट्स को पिल करने के बाद मैंने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए पीनट्स, इमली, थोड़े से गार्लिक और हाफ कप ऑफ वाटर, थोड़ा कोकोनट और कोरिएंडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और 3 से 4 मैंने यहाँ पे रेड चिली ली है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया। मेरी चटनी बनके तैयार है। तड़के के बिना चटनी का मज़ा क्या है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल, थोड़े मस्टर्ड सीड्स, करी लीव डाल के चटनी को तड़का दे दिया। मैं वो पैन में 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल के मैं उसमें उड़द दाल डालूंगी। उड़द दाल
बाद मैंने इसको ओपन करके दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लिया। कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने पीनट्स और अपकॉर्न चटनी बन के तैयार है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर बेल बटन क्लिक करना ना भूलिए। मैं और भी अच्छी रेसिपी लाऊंगी।